अब मैं आपके सामने बंदरबांट वाला चैप्टर की डिटेल्स पढ़ने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें हमको, ये एक नाटक की तरह है, इसमें हमको ये बताया गया है कि अगर आप ये नाटक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन सी जगह चाहिए, यानी सबसे पहले स्थान जहाँ पर ये नाटक होगा। तो वो स्थान सबसे पहले है एक खुली जगह या कोई बड़ा कमरा, फिर पात्र यानी जो एक्टर्स होंगे इसको करेंगे जो नाटक को, एक बंदर चाहिए और दो बिल्लियाँ। तो 7-8 बरस यानी 7-8 साल का लड़का जो है वो बंदर बन सकता है, और 5-6 बरस की लड़कियाँ यानी 5 से 6 साल की लड़कियाँ जो हैं वो बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक, यानी जो बंदर होगा उसके लिए पोशाक हमें क्या चाहिए, पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा, जो कमर में से पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है। मतलब क्या कि बंदर है तो उसकी पूंछ भी होनी चाहिए, तो उसको चूड़ीदार पजामा वगैरह पहना देंगे और जो कमर से पूंछ की तरह एक दुपट्टा निकाल देंगे ताकि उसकी पूंछ लगे। मुंह पर पहनने के लिए कोई चेहरा बना सकता है वो बंदर का, जिसमें आँख और मुंह की जगह छेद कर दे। बिल्लियों के लिए भी बिल्कुल सेम है, 2 बिल्लियाँ हैं, एक काली बिल्ली एक सफ़ेद बिल्ली। तो काली बिल्ली काली सफ़ेद सलवार पहनेगी और कमीज़े दुपट्टे, और वो कमर से पूंछ की तरह निकाल लेंगी। तो अभी हम जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर करते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कपड़ों की, ठीक है। तो अगर ये स्टेज पे होता है तो हमें प्रॉपर वे में ड्रेसेस पहननी होगी, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहला दृश्य यानी जब ये आपका बंदरबांट शुरू होता है, पहला सीन, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, सीन 1 सीन 2, तो यहाँ पे जो पहला सीन है वो क्या है आपके सामने, देखिए ध्यान से। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है, मतलब एक टेबल रखी है, टेबल के ऊपर एक कपड़ा रखा है जो आगे से ढका है, मतलब अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा मेज के नीचे क्या रखा है, ठीक है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा रखा है, छोटा सा रोटी, ठीक है। मेज के नीचे एक तराजू है, तराजू आप सभी को पता है बैलेंस वाला जिसे हम नापते हैं, और वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। अब वो टेबल के नीचे रखा है, कपड़े के पीछे छुपा है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होगी वो तब हमें दिखाई देगा, ठीक है। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। तो सबसे पहले काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, नमस्ते बहन नमस्ते। अब देखिए काली बिल्ली क्या बोलती है, काली बिल्ली अच्छी तो हूँ। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में तो मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे महक रोटी की आती, मतलब उसको रोटी की स्मेल आ रही है। काली बिल्ली बोलती है, हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है, मतलब काली बिल्ली ने सफ़ेद बिल्ली की जब बात सुनी कि उसे रोटी की महक आती है, तो बोलती है कि हाँ मेरी भी नाक बता रही है पास में कहीं पर रोटी है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रखी मेज पर है वो रोटी, मतलब उसको मेज पर रखी हुई वो रोटी देख गई। लपकूं कोई आ ना जाए, मतलब ये बोलती कि क्या मैं उसको लपक लूं पकड़ लूं, कोई देख ना ले कोई आ ना जाए। अब आगे देखिए, काली बिल्ली बोलती है, तू डर मैं तो लेने चली, मतलब वो बोलती है तू तो डरती रह, रोटी को तो मैं ले ही लूंगी। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। अब देखो जब उसको रोटी लेकर भागता देखती है तो सफ़ेद बिल्ली क्या बोलती है, ठहर कहाँ भागी जा रही है रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है, रोटी तेरी कैसे, तेरी रोटी मेरी। अब सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मैं ना दिखाती तो तू जाती, मतलब वो अपना जो हक है वो प्रेजेंट कर रही है कैसे, वो कहती है कि रोटी को मैंने देखा और मैंने तुझे बताया, अगर मैं तुझे नहीं दिखाती तो तू कैसे जाती उसको लेने। काली बिल्ली बोलती है, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। अब काली बिल्ली ये बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तू नहीं दिखाती तो मैं नहीं देखती, मेरी भी तो दो आंखें हैं। अब आगे देखते हैं, डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की जा भग रोटी मेरी। वो कहती तू तो उस तक जाने में ही डर रही थी, तो रोटी किस बात से तेरी, रोटी मेरी। अब देखिए आगे, सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली बोलती, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। वो कहते तुम तो नहीं ले जा सकती, जिसने पहले रोटी देखी उसका हक है रोटी पर। अब काली बिल्ली बोलती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर, रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली बोलती, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। अब देखिए नया सीन आता है, दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं।
बंदर का प्रवेश होता है। अब बंदर बोलता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से, रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। अब कचहरी मतलब क्या है कि एक अदालत बना रहा है, ये बोलता है कि मैं अदालत में फैसला करूंगा कि तुम दोनों में से रोटी किसकी। अब देखते हैं आगे। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। ठीक है, दूसरा दृश्य। अब जब कचहरी लगती है वो वाला सीन आता है, बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रहा, दोनों बिल्लियां मेज में इधर उधर खड़ी हैं। अब बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफेद बिल्ली बोलती है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इसी पर पूरा हक मेरा बनता है। ठीक है, अब इसने अपना बता दिया सफेद बिल्ली ने। अब बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। अब बंदर बोलता है सफेद बिल्ली से, एक से देखी थी या दो आंखों से? सफेद बिल्ली बोलती है, दो आंखों से, दोनों आंखों से। ठीक है, अब वो यही सवाल काली बिल्ली से करता है कि एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली बोलती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर बोलता है, तुम दोनों का कोई गवाह है जिसने तुम्हें देखा है? तो दोनों बिल्लियां बोलती हैं, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं, मतलब कि कोई भी नहीं था और कोई कहीं नहीं था। बंदर बोलता है, बात बराबर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है, धर्म कांटा एक चीज होती है बच्चे, जिससे हम वजन तोलते हैं, वजन। ठीक है, तो अब देखिए, बोला बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। मतलब वो क्या करता है, रोटी को हिस्सों में तोड़ता है, दोनों तरफ रखता है। क्या होता है कि एक पलड़ा जिसमें थोड़ा भारी होता है वो नीचे हो जाता है, एक दूसरा ऊपर हो जाता है, करता है। अब बंदर क्या करता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, जो टुकड़ा भारी होता है नीचे आ जाता है, वो कहता है इससे थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब वो क्या करता है, जोड़ के खा जाता है। अब जिसमें से खा जाता है वो हल्का हो जाता है, दूसरा भारी हो जाता है। देखो, फिर तराजू उठाता है, ऊपर है जहां से नीचे हो गया क्योंकि दूसरा भारी था। अब बंदर क्या कहते हैं, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, पहला पलड़ा रहा नीचे, दूसरा ऊपर। अब क्या होता है कि जिसमें से खाता है वो नीचे हल्का होता जाता है, जो नहीं खाता वो भारी होता जाता है। इसी तरह बंदर क्या कहता है, काफी टाइम तक दोनों में से थोड़ा काफी रोटी खा लेता है। अब देखिए आगे, बंदर बोलता है, अब यह टुकड़ा भला, टुकड़े भी कितने टे हैं, एक दूसरे दिखलाने में ही लगे हुए हैं, छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं, मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। अब वो क्या कहता है कि इनको खा खा कर मेरा हाथ थक गया, उठाकर हाथ थक गया, तराजू कर खा खा कर मुंह। देखो आगे, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उसी से एक दूसरे को देखते हुए। सफेद बिल्ली पहले बोलते हैं, आप थे अब ना उठाएं और तराजू, अब आप थक गए हो, अब और तराजू मत उठाओ। अब काली बिल्ली बोलती है, बचा कुचा जो है उसको हमें दे दो, हम आपस में बांट खाएंगी। अब बंदर बोलता है, नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को खा लेता हूँ। और ये कहकर देखो, ये सामने बंदर आपको दिख रहा है, पूरी रोटी उठाकर तराजू में से खा गया और दोनों बिल्लियां देखती रह गई। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होगा, बंदर हड़पा रोटी। देखो ये लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने, जानते हो हरिवंश राय बच्चन है अमिताभ बच्चन के पापा, है ना? तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ठीक है, ओके।